हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते समय डिटर्जेंट पाउडर यूज़ करें या लिक्विड। इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, दोनों में कौन सा बेस्ट होता है एंड कपड़ों के लिए लिक्विड यूज़ करना चाहिए या पाउडर, जिससे कपड़ों की वॉश क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिले। इन सभी बातों को हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। चलिए तो आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, मार्केट में कपड़ों के लिए डिटर्जेंट पाउडर भी अवेलेबल है और लिक्विड भी, और इन दोनों प्रोडक्ट के लिए काफ़ी सारी अलग अलग कंपनी भी है। हमारा पहला सवाल है कि कपड़ों के लिए पाउडर यूज़ करें या लिक्विड, कौन सा बेस्ट होता है। देखिए, पाउडर और लिक्विड, इन दोनों के कंपेरिजन में लिक्विड ज़्यादा बेहतर होता है। वो कैसे? देखिए, अगर आप वॉशिंग मशीन में कपड़ों के लिए पाउडर यूज़ करते हो तो लिक्विड के मुकाबले पाउडर ज़्यादा क्वांटिटी में डालना पड़ता है और लिक्विड कम क्वांटिटी में डालना पड़ता है। डिटर्जेंट पाउडर का एक माइनस पॉइंट ये है कि पाउडर के कण मशीन में जल्दी घुल नहीं पाते हैं, जिससे इसका जल्दी झाग भी नहीं बन पाता है, क्योंकि जब तक इसका झाग बनता है तब तक तो मशीन में कपड़े धोने का टाइम समाप्त हो जाता है और इसलिए कपड़ों में वो रिजल्ट नहीं मिल पाता जो कि मिलना चाहिए। इसके अलावा पाउडर के कण मशीन के पानी में जल्दी घुल नहीं पाते हैं, इसलिए कुछ समय बाद मशीन के ड्रम पर पाउडर की सूखी परत जम जाती है, जिससे मशीन के ड्रेनेज में ब्लॉकेज का प्रॉब्लम आता है, जिससे मशीन की लाइफ कम हो जाती है और बार बार हमें मशीन की सर्विसिंग करवानी पड़ती है। सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि पाउडर के कुछ कण कभी कभी पानी में ठीक से घुल नहीं पाते हैं, जिससे आपके कपड़ों में व्हाइट से धब्बे पड़ते हैं। अक्सर ब्लैक कपड़ों पर ये धब्बे ज़्यादा दिखते हैं, जैसे कि ब्लैक जीन्स और ब्लैक शर्ट वगैरह। ऐसा लगता है जैसे बिल्ली ने कपड़ों पर नाखून खरोचे हों। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर पाउडर यूज़ करने पर आती है। ये थे पाउडर के कुछ माइनस पॉइंट। अब लिक्विड की बात करें तो लिक्विड को पाउडर डिटर्जेंट से बेहतर इसलिए माना जाता है क्योंकि यह मशीन में डालने पर बहुत ही आसानी से घुल जाता है, जबकि पाउडर डिटर्जेंट के कण जल्दी घुल नहीं पाते हैं और कपड़ों में दाग के साथ मशीन में ब्लॉकेज का कारण बनते हैं। अब लिक्विड यूज़ करने का पहला प्लस पॉइंट यह है कि लिक्विड पाउडर के मुकाबले काफ़ी कम क्वांटिटी में लगता है। लिक्विड का दूसरा प्लस पॉइंट यह है कि लिक्विड वॉशिंग मशीन में कपड़ों के साथ पानी में जल्दी घुल जाता है, जिससे लिक्विड का झाग काफ़ी ज़्यादा बनता है और इससे कपड़ों की वॉश क्वालिटी काफ़ी बेहतर मिलती है। इसका तीसरा प्लस पॉइंट यह है कि ये एक लिक्विड फॉर्म में होने के कारण कपड़ों में किसी भी तरह के रैशेस या धब्बे नहीं आते हैं, जैसे कि पाउडर की वजह से ब्लैक कपड़ों पर आते हैं। चौथा प्लस पॉइंट यह है कि लिक्विड वॉशिंग मशीन के पानी में पूरी तरह घुल जाने की वजह से मशीन के ड्रेनेज में कोई ब्लॉकेज का प्रॉब्लम नहीं आता है, जिससे मशीन की लाइफ बढ़ती है और आपको बार बार सर्विसिंग करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। अब सवाल ये उठता है कि कौन से मशीन में लिक्विड यूज़ करें और कौन से मशीन में पाउडर। देखिए, वॉशिंग मशीन तीन टाइप की होती है, फ्रंट लोड, टॉप लोड और सेमी ऑटोमेटिक, और हमारी माने तो तीनों में ही आपको लिक्विड ही यूज़ करना चाहिए। लिक्विड हमेशा बेस्ट होता है मशीन के लिए भी और कपड़ों के लिए भी। अब मशीन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अगर आपके पास फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है तो आप इसमें पाउडर भी यूज़ कर सकते हो और लिक्विड भी, लेकिन जैसा कि हमने बताया लिक्विड ही हमेशा बेस्ट होता है क्योंकि फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में लिक्विड काफ़ी कम मात्रा में लगता है। इसका एक रीज़न ये भी है कि फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में कपड़े एक पहिए की शेप में घूमते हैं, मतलब नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे आते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि मशीन का ड्रम जब कपड़े धोते समय क्लॉक एंटी क्लॉक डायरेक्शन में घूमता है, तो इस प्रोसेस से पाउडर हो या लिक्विड, फ्रंट लोड मशीन में इनका झाग काफ़ी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि फ्रंट लोड मशीन में पानी काफ़ी कम मात्रा में होता है। इसलिए अगर आपके पास फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है तो पाउडर हो या लिक्विड लिमिटेड मात्रा में ही डालना चाहिए। एंड अगर आपके पास टॉप लोड वॉशिंग मशीन है तो इसमें आपको सिर्फ लिक्विड ही यूज़ करना चाहिए क्योंकि टॉप लोड मशीन में पाउडर जल्दी घुल नहीं पाता है। एंड आपको बता दूँ कि सबसे ज़्यादा डिटर्जेंट टॉप लोड वॉशिंग मशीन में ही लगता है क्योंकि टॉप लोड वॉशिंग मशीन में कपड़ों को पूरी तरह पानी में भिगोने के लिए पानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लगता है और इसी वजह से इतने सारे पानी में पाउडर हो या लिक्विड ज़्यादा मात्रा में डालना पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं कि टॉप लोड मशीन में आपको सिर्फ लिक्विड ही यूज़ करना चाहिए क्योंकि ये जल्दी घुल भी जाता है और कपड़ों पर धब्बे भी नहीं आते हैं, जबकि पाउडर जल्दी घुल नहीं पाता है। हाँ, ये बात अलग है कि आजकल के टॉप लोड मशीनों में डिटर्जेंट बॉक्स में डिस्पेंसर सिस्टम दिए जाते हैं, जिससे पाउडर डिटर्जेंट बॉक्स में ही घुल जाता है एंड झाग बनकर नीचे कपड़ों पर गिरता है। लेकिन यहाँ एक समस्या ये भी आती है कि अगर वॉशिंग मशीन में पानी का प्रेशर कम है, मतलब मशीन में पानी स्लो आता है, तो ये डिस्पेंसर भी काम नहीं करते हैं क्योंकि ये डिस्पेंसर सिर्फ पानी के प्रेशर में ही काम करते हैं।
और किसी किसी मॉडल में तो डिस्पेंसर ही नहीं होते हैं, तो ऐसे मॉडल में आपको सिर्फ लिक्विड ही यूज करना चाहिए। इसलिए अगर आपके मशीन के डिटर्जेंट बॉक्स में डिस्पेंसर लगे हैं और पानी का प्रेशर ज़्यादा है तो आप पाउडर भी यूज कर सकते हो, वरना आपको लिक्विड ही यूज करना चाहिए। अब बात करते हैं सेमी ऑटोमेटिक मशीन की। देखिए, मशीन के डिज़ाइन के हिसाब से देखा जाए तो इसकी बॉडी पूरी तरह प्लास्टिक की होती है। इसमें आप डिटर्जेंट पाउडर डालो या लिक्विड, इस मशीन को कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे मशीन को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जब बात कपड़ों के रिजल्ट की आती है तो कपड़ों के लिए आपको हमेशा लिक्विड ही यूज़ करना चाहिए। देखिए, पाउडर से सेमी ऑटोमेटिक मशीन को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन कपड़ों को हो सकती है, इसलिए आपको सेमी ऑटोमेटिक मशीन में भी लिक्विड ही यूज़ करना चाहिए। अगर आपको सेमी ऑटोमेटिक मशीन में पाउडर ही यूज़ करना है तो आप मशीन में पहले पानी भरिए, फिर कपड़ों के अकॉर्डिंग पाउडर डालिए, इससे पाउडर का अच्छा खासा झाग बन जाएगा, और फिर आप इसमें कपड़े डालकर फिर से ऊपर से पानी डालिए ताकि कपड़े पूरी तरह से पानी में भीग जाए, फिर मशीन को स्टार्ट कीजिए, इससे कपड़ों की वॉश क्वालिटी काफ़ी बढ़ जाएगी। अब वीडियो के लास्ट में आपको कुछ टिप्स देकर जाते हैं। देखिए, डिटर्जेंट पाउडर के मुकाबले लिक्विड थोड़ा महंगा आता है, लेकिन पाउडर लिक्विड के मुकाबले ज़्यादा डालना पड़ता है, इसलिए पाउडर भले ही प्राइस में सस्ता आता हो लेकिन यूज़ करने में ये ज़्यादा महंगा पड़ता है। अगर आप कपड़ों के लिए पाउडर ही यूज़ करना चाहते हो तो हम आपको एक आइडिया बताते हैं। देखिए, जब आप मशीन में कपड़े धोने के लिए डालते हो तो उससे पहले एक जग लीजिए, उसमें पानी लीजिए और फिर डिटर्जेंट पाउडर पानी में अच्छे से घोल लीजिए कपड़ों के अकॉर्डिंग, और फिर मशीन को स्टार्ट कीजिए। थोड़ी देर बाद, मतलब 5-10 मिनट बाद, पाउडर वाला पानी मशीन में डाल दीजिए। ये भी एक लिक्विड का ही काम करेगा। कहने का मतलब ये है कि जब आप मशीन में पाउडर डालते हो तो उसके बजाय आप उसी पाउडर को पानी में घोल के लिक्विड बना लीजिए और फिर मशीन में डालिए। इससे ये फायदा होगा कि कपड़ों में रैशेज भी नहीं आएंगे और पाउडर 100% यूज़ होगा, जिससे आपके मशीन को और कपड़ों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, एंड वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये बिल्कुल फ्री होता है, इसके कोई पैसे नहीं देने पड़ते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।